हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी त्यौहार आने ही वाला है, तो आज मैं शेयर करूंगी एक डेजर्ट की रेसिपी। ये जो बहुत ही झटपट बन जाता है, जब घर पे दूध फट जाता है या तो हम फेंक देते हैं या तो हम उसको छेना बना के रोटी के साथ खाते हैं या रोटी बना लेते हैं, पराठे बना लेते हैं। तो आज मैं एक डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत झटपट बनता है। इसके लिए ये देखिए, मैंने छेना में मैं ये ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सूजी और 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। अब हाथों से अच्छे से इसको मसलना है। छेना कैसे तैयार करते हैं मेरे दूसरे मिठाई की वीडियो में है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं 2-4 वीडियो की रेसिपी लिंक आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। तो अच्छे से मसल लिया है, देखिए छेना। अब छोटे छोटे बॉल हमें तैयार करना है, जिस साइज़ का हमें रसमलाई चाहिए उससे एक साइज छोटा हमें तैयार करना है, क्योंकि चाशनी में डालने के बाद ये फूल जाता है। तो इसको तैयार करने के बाद मैं चाशनी तैयार करूँगी। चाशनी के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप पानी और 1 कप चीनी। अब जब उबाल आ जाए चाशनी में, तो ये बल को हमें डालना है, छोटे छोटे जो छेना का बल हमने बनाया था। तो अब यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ, दूध उबाल के एकदम आधा करना है। यहाँ 1/2 लीटर दूध है, आधा कर लेना है, एक पाव करना है। फिर उसमें देखिए मैं ब्लैक कार्डमम, ग्रीनम एंड इसमें डाला है केसर। इलायची की खुशबू बहुत अच्छा लगता है रसमलाई में, कोई भी मिठाई में अच्छा लगता है। वीडियो पूरा देखने का रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, बिना स्किप किए। अब ये रसमलाई इसमें ऐड करना है हमें। दूध में गैस ऑफ कर दिया है मैंने, इसको हल्के हाथों से ऊपर नीच करना है, नहीं तो ये बहुत नरम होता है, टूट सकता है। ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया है। तो देखिए मैंने सर्व कर दिया, होप आप सबको रेसिपी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।